गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक है, अभी जो चैप्टर नंबर वन तो मिल गया था ना, चैप्टर नंबर वन का, चैप्टर नंबर टू आज कम्युनिटी में अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। चैप्टर नंबर टू का जो नोट्स है वो 4, 5, 6 लेक्चर का जो नोट्स है वो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर जो है उसका अभी नहीं होगा, जो लेक्चर नंबर 1, 2, 5 है उसका नोट्स ऑलरेडी है, मैंने दिया था अगर आपको याद हो तो। मैंने एक पीडीएफ अपलोड किया था जिसमें लेक्चर वन का पूरा नोट्स था, लेक्चर 1, 2, 5 का सारा नोट्स एक साथ था। इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ यू कैन स्टार्ट, ठीक है। तो यू कैन गेट अप टू 51% ऑफ इफ यू आर गोइंग फॉर 12 मंथ एंड 15 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लस एक्स्ट्रा मंथ, तो 3 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन। यू कैन यूज कोड JSGLIVE। तो JSGLIVE मुक्ति का कोड क्या है, जीवन मोक्ष प्राप्ति का कोड क्या है, जहां से आदमी भैया एक पीडीएफ लेक्चर का पीडीएफ नहीं, एक नोट्स दिया था, एक नोट्स दिया था क्लास चालू होते ही, उसमें सारा हैंड रिटन नोट्स था, चेक करो एक बार। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, लिखित नोट्स चैप्टर वन का पहले दिया हुआ है मैंने, क्लास जब ये चालू हुआ था उस तभी दे दिया था, जिस डेट पे ये सीरीज चालू हुआ ना उस डेट के आसपास चेक करो, नहीं होगा तो मैं फिर से अभी जब ये चैप्टर दो का नोट्स अपलोड करूंगा तो उसके साथ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यू कैन गो फॉर EMI ऑप्शन एज वेल, कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर टू गेट मोर डिटेल्स ऑन EMI ऑप्शन, ठीक है। 24 नवंबर से उड़ान बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी एस्पिरेंट 24 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आई एम स्टार्टिंग विथ थर्मोडायनेमिक्स एट 10 AM, ठीक है, ऑन प्लस। अच्छा, इस बैच का जो वीडियो है आप इस बैच का डिटेल चेक कर सकते हो, जो बैच का लॉन्च वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, तो वहां से आप चेक कर सकते हो उसका डिटेल। ठीक है, प्लस देखो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, आज इसका लेक्चर है, तो जो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो ये सीरीज चल रहा है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, अभी थर्मो चल रहा है, आज लेक्चर है 3:30 PM, 3:30 पे आज लेक्चर है, ठीक है ना, और एक्सर्जी का क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा आज, ठीक है, एंट्रोपी एक्सर्जी चल रहा है, ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चन कवर हो गए, हर सब्जेक्ट का लगभग 500 तक क्वेश्चन, 300 to 500 क्वेश्चन होगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। आज क्लास है तो सारा सब्जेक्ट कवर किया जाएगा, जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं आप उनको ये चीज़ शेयर कर दो कि जिनको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस का चाहिए, कि जिनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो इस सीरीज को फॉलो कर लें, इसमें आपको हर सब्जेक्ट में हर वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, चालू करते हैं वापस, है ना।
ये यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन द स्टैटिक फ्लूड ये भी कर चुके थे, है ना, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन द स्टैटिक फ्लूड, ये वाला हेडिंग कर रहे थे ना। तो हमने क्या देखा था कि स्टैटिक फ्लूड में कैसे फ्लूड वेरी करता है। हमने देखा था कि स्टैटिक फ्लूड कितने प्रकार का, कितने केस हमने किए थे, स्टैटिक फ्लूड कितने प्रकार से हमने किया था। हमने देखा था कि स्टैटिक फ्लूड में पहला तो कंप्रेसिबल फ्लूड देखा था, ये डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं कंप्रेसिबल फ्लूड, है ना। और कंप्रेसिबल फ्लूड में भी हमने दो केस देखा था, आइसोथर्मल फ्लूड और नॉन आइसोथर्मल फ्लूड। ठीक है, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। आइसोथर्मल फ्लूइड में प्रेशर का वेरिएशन कैसा था? आइसोथर्मल फ्लूइड में, गुड मॉर्निंग, आइसोथर्मल फ्लूइड में प्रेशर का वेरिएशन कैसा था? एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। नॉन आइसोथर्मल में पावर लॉस है और इसमें लीनियर, है ना, इसमें लीनियर था। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं प्रेशर मेजरमेंट पे, दैट इज बैरोमीटर। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि बैरोमीटर क्या करता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं कि हाउ टू मेजर प्रेशर, प्रेशर को नापना कैसे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो, बैरोमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है। कमेंट बॉक्स में क्विकली शॉर्ट में कमेंट लिखो, मैं समझ जाऊँगा। बहुत ध्यान से नहीं, बहुत डिटेल में कमेंट है, लेकिन रिप्लाई किया करो ना, उससे पता लगता है कि तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जिंदा हो मर गए हो, है ना, अंतिम संस्कार करने की जरूरत है नहीं है, थोड़ा पता लगता रहता है ना। तो क्विकली, और जो लोग देख रहे हैं ऑनलाइन का रिचुअल है, सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है ना, ठीक है, जिंदा है, मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। चाय पी के एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान नापते हैं, चलो ठीक है। अच्छा देखो, इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाप सकते हो बैरोमीटर से। ठीक है ना, ये है क्या, देखो उधर सब लिखा हुआ है, आपको पढ़ने, आप सिर्फ ध्यान दो। देखो मैंने एक ट्यूब लिया ऐसे, ऐसे एक ट्यूब लिया और इस ट्यूब में मरकरी भर दिया। क्या भर दिया? मरकरी। ठीक है, फिर एक डब्बा लिया, इसमें भी मरकरी भर दिया, फिर इसको इसमें टिल्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, इसको ऐसे उल्टा कर दिया इसमें। ठीक, जब उल्टा करेंगे तो ये मरकरी लेवल यहां से थोड़ा फॉल करेगा, मरकरी लेवल थोड़ा फॉल करेगा, यहां पे आके एक लेवल पर ये आके सेट हो जाएगा। तो ये कथा कहानी समझ में आया, ये यह यहां तक कैसे पहुंचे? एक ट्यूब में मरकरी भरे हैं, एक डिब्बे में भी मरकरी भरा था, इसको टिल्ट कर दिया इसमें हमने, है ना, इसको ऐसे टिल्ट कर दिया। ठीक, ये सिचुएशन आ गया, ये मरकरी नीचे फॉल करता है, ठीक है। अच्छा, जब यहां से मरकरी फॉल करेगा तो यहां पे क्या क्रिएट होगा? वैक्यूम प्रेशर, यहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा ना, जब मरकरी नीचे यहां से फॉल कर रहा है तो यहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा, यहां पे क्रिएट होगा वैक्यूम।
ठीक है ना, जब इस सरफेस के ऊपर वैक्यूम क्रिएट होगा तो यहां मरकरी वेपोराइज करेगा, ठीक है ना, तो इस स्पेस में मरकरी क्या लगा रहा होगा, वेपर प्रेशर, ठीक है। अब हम प्रेशर नाप सकते हैं, आप देखो ये पॉइंट बी और पॉइंट सी है, बी पॉइंट बी और पॉइंट सी पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा अलग अलग होगा, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे प्रेशर सेम होगा या अलग अलग होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम फ्लूइड से कनेक्ट किया जा सकता है, तो बी और सी पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, ठीक है। सी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, पी ए टी एम, है ना। बी पॉइंट पे प्रेशर क्या है, देखो यहां है वेपर प्रेशर, तो सी पॉइंट पे प्रेशर हो गया पी ए टी एम, सी पॉइंट पे, ठीक है ना। बी पॉइंट पे प्रेशर क्या है, यहां पी वेपर प्रेशर है, प्लस नीचे जा रहा हूं तो ऐड होगा, कितना कितना ऐड होगा, रो जी एच, है ना। तो आप लिख सकते हो कि आपका पी ए टी एम यहां पे क्या हो गया, पी ए टी एम आपका हो गया पी वेपर प्रेशर प्लस रो जी एच। अगर मैं वेपर प्रेशर को इग्नोर कर दूं, वेपर प्रेशर को बहुत कम होता है मरकरी का, तो इसको इग्नोर कर दूं, तो आपका जो पी ए टी एम आ जाएगा सीधा रो जी एच आ जाएगा, ठीक है, रो जी एच आ जाएगा। तो अगर आप एच नाप लेते हो, अगर आप किसी तरीके से एच नाप लेते हो, तो आपने क्या देखा, पी ए टी एम आपका क्या आ गया, रो जी एच, ठीक है। आप किसी तरीके से एच नाप लेते हो तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा, यहां तक क्लियर है सबको। अगर हम एच नाप लेंगे तो हमें पी ए टी एम मिल जाएगा, तो पी ए टी एम क्या हो जाएगा, रो जी एच, ठीक है ना। अच्छा, यहां से एच कितना आएगा, पी ए टी एम बाई रो जी, ठीक है ना। अच्छा, एच का वैल्यू आप चाहो तो निकाल सकते हो, पी ए टी एम क्या होता है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 31025 मरकरी, रोजी कितने मीटर आएगा, नाइन पॉइंट एट वन। कितना हाइट आना चाहिए अगर मरकरी है तो, हाँ भाई प्रेशर हमेशा हर डायरेक्शन में लगता है निखिल ब्रो, प्रेशर प्रेशर हमेशा हर डायरेक्शन में लगता है। कितना है, 0.759, 760 mm, अप्रॉक्सीमेटली 760 mm, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैंने वाटर यूज किया होता इंस्टेड ऑफ मरकरी, अगर मैं वाटर यूज करता, इंस्टेड ऑफ मरकरी अगर मैं वाटर यूज कर लेता, तो ये हाइट वाटर के लिए कितना होता, पी ए टी एम बाई रो डब्ल्यू जी, है ना। तो पी ए टी एम कितना होता, 101325 वाटर का 1000, जी इज 9.81, कितना हुआ, कितना आता मरकरी की जगह अगर वाटर यूज कर लेता तो, टेन पॉइंट थ्री मीटर, ठीक है ना। तो मरकरी इसलिए यूज किया गया है, मरकरी का कम इसलिए आया कि मरकरी का डेंसिटी जो होता है बहुत हाई होता है, मरकरी का जो डेंसिटी होता है दैट इज वेरी हाई, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, एटमॉस्फेरिक पहला पॉइंट क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ सिंपल डिवाइस कॉल्ड बैरोमीटर। तो एमसीक्यू में पूछता है कि बैरोमीटर का क्या यूज होता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया कि बैरोमीटर का क्या यूज होता है,
क्विकली बता दे जो पहला पॉइंट क्लियर है ना। सेकंड पॉइंट में बताया टॉर्सली ने इन्वेंट किया था, टॉर्सली ने इन्वेंट किया था, ठीक है ना। अच्छा दूसरा देखो क्या लिखा है, मर्करी प्रेफर्ड फ्लूइड सिंस इट हैज अ हाई डेंसिटी एंड लो वेपर प्रेशर। मर्करी ही क्यों यूज किया, क्योंकि मर्करी का डेंसिटी ज्यादा था और वेपर प्रेशर कम था, ठीक है ना। दैट इज द रीजन। ये भी अभी मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो हाई डेंसिटी और लो वेपर प्रेशर की वजह से पहले दो पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना। ओके, इन प्रिंसिपल बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ क्लोज एंड ग्लास ट्यूब। देखो ये अभी मैंने बताया, जो इन प्रिंसिपल बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ क्लोज एंड ग्लास ट्यूब दैट इज फर्स्ट इंटायरली फिल्ड विद मर्करी। ट्यूब को सबसे पहले मर्करी से पूरी तरीके से भरा, द ट्यूब इज देन सबमर्ज इन अ डिश ऑफ मर्करी, मतलब बड़ा सा प्ले कंटेनर है उसमें, एंड देन टर्न्ड अपसाइड डाउन। मर्करी ट्यूब में मर्करी भरा और फिर उसको उल्टा करके कंटेनर में डाल दिया। डूइंग दिस कॉसेस स्लाइट अमाउंट ऑफ मर्करी टू इम्प्टी फ्रॉम द क्लोज एंड। क्लोज एंड से मर्करी कुछ नीचे आता है, देयर बाय क्रिएटिंग अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मर्करी वेपर इन दिस रीजन। फॉर मॉडरेट सीजनल टेम्परेचर्स हाउएवर द वेपर प्रेशर क्रिएटेड इज प्रैक्टिकली जीरो। प्रैक्टिकली मतलब बहुत कम होता है, प्रैक्टिकली आप जीरो ले सकते हो, ठीक है। तो ये वही वर्किंग प्रिंसिपल लिखा जो मैंने तुम्हें बताया है कि बैरोमीटर काम कैसे करता है। आजकल इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि बैन कर दिया गया है, मर्करी टॉक्सिक फ्लूइड है, ठीक है, इस वजह से इसको बैन कर दिया। ये सारे पॉइंट क्लियर है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। नहीं है ना। अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर तुम्हें देना है, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ आई ड्रिल अ होल एट द टॉप ऑफ द बैरोमीटर। देखो क्वेश्चन का आंसर तुम्हें देना है, व्हाट हैपन्स इफ वी ड्रिल अ होल एट द टॉप ऑफ द बैरोमीटर। क्या होगा अगर मैं एक होल ड्रिल कर दूं तो, ठीक है। देखो मैं ट्यूब वाले फ्लूइड का ये जो ट्यूब के अंदर फ्लूइड है इसका एफबीडी बनाते हैं, ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड है ना इसका एफबीडी बनाते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखना, ये बी पॉइंट है, दिस इज पॉइंट बी, और यहां पीएटीएम लग रहा है, पीएटीएम बता रहा हूं, वेपर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली आपने जीरो लिया है। यहां पे क्या लग रहा है, पीएटीएम, और क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, इसका वेट डब्ल्यू, ठीक है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करो, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस क्या आएगा, ये तो जीरो है, तो देखो अप साइड में क्या आएगा, पी ए टी एम इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, डाउन में क्या आएगा, माइनस वेट, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो पी ए टी एम आपका, पी ए टी एम इंटू एरिया, ये किसको बैलेंस करेगा, वेट को, ठीक है ना, वेट ऑफ द फ्लूइड। कहने का मतलब ये जो फ्लूइड का वेट है इसको कौन सपोर्ट कर रहा है,
नीचे से लगने वाला पी ए टी एम यहाँ पे, बट अगर आपने होल ड्रिल कर दिया, अगर आपने ट्यूब के टॉप पे होल ड्रिल कर दिया, यहां पे एक होल ड्रिल कर दिया, तो क्या होगा, इसके अंदर एयर लीक होके आ जाएगा, ए पॉइंट पे प्रेशर कितना बनेगा? हाँ बिल्कुल बलवीर, तुम एफएम और वाइब्रेशन कंप्लीट कर लो, ठीक है ना, उसके बाद कंप्रेसिबल फ्लो भी पढ़ लेना। और चालू करने से पहले कुल्हड़ वाली चाय पिया करो, अदरक वाली, तो ज़्यादा वाइब्रेशन समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पी एटीएम हो गया, यहाँ पी एटीएम हो गया, ये पी एटीएम कैंसिल हो जाएगा, तो वेट को कौन बैलेंस करेगा? वेट को बैलेंस करने वाला कोई नहीं बचा ना फिर, तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, यहां पी एटीएम वेट को कौन बैलेंस करेगा? कोई नहीं, तो ये फ्लो होके इकट्ठा हो जाएगा नीचे, तो इसका क्या होगा, मर्करी लेवल विल फॉल, मर्करी इन बैरोमीटर इन ट्यूब फॉल्स डाउन एंड गेट्स कलेक्टेड इन द कंटेनर। ठीक है, मर्करी फॉल करेगा और नीचे इकट्ठा हो जाएगा, कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा, ये सारा नीचे फॉल करके आ जाएगा, है ना। यहां पे एक यूनिट भी हम लोग यूज करते हैं, देखो हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हम प्रेशर लिखना हो तो हम ऐसे लिख देते हैं 50 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, ठीक, या हम ऐसे लिख देते हैं 100 mm ऑफ मर्करी कॉलम, ठीक, ये भी एक फ्लूइड का यूनिट है। जर्नलाइज वे में मैं कैसे लिख सकता हूं, जर्नलाइज वे में कैसे लिख सकता हूं, प्रेशर को लिखने के लिए एक तो कॉलम का हाइट x मीटर ऑफ फ्लूइड कॉलम, एक तो कॉलम का हाइट चाहिए और फ्लूइड का नाम चाहिए। 50 मीटर ऑफ वाटर कॉलम कितना प्रेशर होगा, 50 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, 50 मीटर ऑफ वाटर कॉलम कितना प्रेशर होगा, रो जी एच, ठीक है, रो किसका, वाटर का, 1000, जी इज 9.81, एच कितना है 50, इतने पास्कल प्रेशर हो गया। ऐसे ही दूसरा प्रेशर आप लिख सकते हो, ये P1 हो गया, P2, रो जी एच कन्वर्ट कर लो पास्कल में, रो मर्करी का 13600, 9.81, हाइट कितना है 0.1, इतने पास्कल आ जाएगा प्रेशर, ठीक है। क्या कर रहे हो भाई, स्पैम क्यों कर रहे हो, हाँ भैया फ्री कंटेंट से करो तुम, ये क्या है भैया, सरकार जी काहे सरकार को हिला रहे हो, कितना प्रेशर है जरा बताओ कैलकुलेट करके, प्रेशर बता दो कितना कैलकुलेट करके, वाटर वाला कितना है, नहीं सर ज्यादा होगा यार, फोर नाइन जीरो फाइव डबल जीरो, ठीक है,
और नीचे वाला पी टू कितना आया? ठीक है, नीचे वाला कितना प्रेशर आया? ठीक है, चलो क्लियर है ये, यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, ठीक है, नेक्स्ट डिवाइस इज पीजोमीटर। पीजोमीटर कुछ नहीं होता, एक स्ट्रेट ग्लास ट्यूब होता है, ऐसे ग्लास का स्ट्रेट ट्यूब। ठीक है, ग्लास ट्यूब ले लो ऐसे, ये तुम्हारा पीजोमीटर हो गया। अब मान लो इस कंटेनर में मैं प्रेशर नापना चाहता हूं, ठीक है ना, तो इसका एक सिरा कनेक्ट कर दूंगा जहां प्रेशर नापना है, दूसरा सिरा दिस इज ओपन टू एटमोसफेयर, दिस एंड इज ओपन टू एटमोसफेयर, ओपन टू एटमोसफेयर। ठीक, दिस इज, है ना, दिस इज कनेक्टेड टू द पॉइंट वेयर प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। अब फ्लूड क्या होगा, इसमें राइज करेगा, मान लो एच हाइट तक राइज किया। यू कैन राइट प्रेशर एट पॉइंट ए एज वॉट, पी ए टी एम, यहां पर पी ए टी एम है, प्रेशर हियर इज पी ए टी एम, प्लस रो जी एच, इसका डेंसिटी मान लो स्पेसिफिक वेट गामा है, सो गामा एच, सो पी ए माइनस पी ए टी एम इज गामा एच। तो ए पॉइंट पे गेज प्रेशर कितना होगा? गामा एच। ठीक है, अगर आपको एच और गामा पता है, यू कैन इजिली फाइंड आउट द प्रेशर एट पॉइंट ए। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है, मुझे ये बताओ, अगर ए पॉइंट का प्रेशर पी ए टी एम से कम है, अगर ए पॉइंट का प्रेशर पी ए टी एम से कम है, तो क्या आप ये डिवाइस यूज कर सकते हैं? ए पॉइंट का प्रेशर पी ए टी एम से कम है, कैन यू यूज दिस डिवाइस? नो no. ठीक है ना, तो दिस कैन नॉट बी यूज टू मेजर द वैक्यूम प्रेशर, दिस कैन नॉट बी यूज टू मेजर द वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर, सब लोग सेशन लाइक कर दो, देखो 32 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 16 लाइक है, सब लोग सेशन लाइक कर दिया करो, बार बार कह रहे हैं, कोई जमीन लिखने के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं, खटाखट लाइक करो। ठेंगा दिखाओ, ठेंगा ठेंगा दिखाना सीख जाओ, नहीं तो लोग तुमको ठेंगा दिखाएंगे, खटाक से ठेंगा दिखाओ। ठीक है, अच्छा, अगर यहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो क्या मैं ये डिवाइस यूज कर सकता हूं? Can this device be used to measure very?
बहुत हाई प्रेशर को नाप सकते हैं। अगर प्रेशर ए पॉइंट पे बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई प्रेशर, कैन दिस डिवाइस बी यूज्ड? ए पॉइंट पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कैन वी यूज दिस डिवाइस? नो, वी कैन नॉट यूज दिस डिवाइस, है ना? अच्छा, अगर वर्किंग फ्लूड गैस है तो ट्यूब बहुत लंबा बनाना पड़ेगा। दैट्स ट्रू, ट्यूब बहुत लंबा बनाना पड़ेगा। अगर गैस है, वर्किंग फ्लूड गैस है तो, अगर वर्किंग फ्लूड गैस है तो ट्यूब है, गैस लगा दी, गैस भाग नहीं जाएगा? है ना, लीक कर जाएगा, भाग जाएगा, ठीक है ना? तो ये इसके ड्रॉबैक हैं। अब देखो, ये सबसे पहले एक चीज समझो, दिस इज ऑल्सो अ क्लास ऑफ मैनोमीटर्स, ठीक है ना? मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ट्यूब दैट इज यूज टू डिटरमिन द गेज प्रेशर इन द लिक्विड, ठीक है? सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैनोमीटर इज पीजोमीटर। सो पीजोमीटर इज अ टाइप ऑफ मैनोमीटर, ठीक है ना? अब देखो, जो मैंने वहां पॉइंट बताया है वो सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना? एक एक करके मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो पॉइंट ना क्लियर हो क्विकली बता देना, ठीक है? तो जल्दी से मूव ऑन करेंगे, सब बता चुका हूं मैं, ठीक है ना? देखो देखो क्या लिखा हुआ है, इसका कंस्ट्रक्शन बताया गया है। द ट्यूब इज ओपन एट वन एंड, एक सिरे से ओपन है टू द एटमोस्फेयर, वाइल अदर एंड इज इंसर्टेड इन टू द वेसल। एक सिरा ओपन टू एटमोस्फेयर है, दूसरा वेसल में इंसर्ट किया गया है। वेयर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज टू बी मेजर्ड। तो यहां पे एक पॉइंट जो अंडरलाइन करने वाला है, लिक्विड नॉट गैस, गैस में नहीं यूज कर सकते, ठीक है? एनी प्रेशर विद इन द वेसल, अगर वेसल के अंदर प्रेशर है, विल पुश द लिक्विड अप अप द ट्यूब। जो हाई प्रेशर है अंदर, वो ट्यूब के अंदर लिक्विड को पुश करेगा। इफ द लिक्विड हैज स्पेसिफिक वेट गामा, देन द प्रेशर हेड एच इज मेजर्ड, देन द प्रेशर एट पॉइंट ए इज गामा एच। और ध्यान रहे, ये गेज प्रेशर है, ठीक है ना? ये गेज प्रेशर है। पीजोमीटर डोंट वर्क वेल फॉर मेजरिंग लार्ज गेज प्रेशर, सिंस एच वुड बी लार्ज। तो बहुत हाई प्रेशर मेजर करने के लिए हम पीजोमीटर्स नहीं यूज करते हैं, क्योंकि उसमें आपको एच ज्यादा लगाना पड़ेगा। दे आर नॉट इफेक्टिव एट मेजरिंग हाई निगेटिव प्रेशर, सक्शन गेज प्रेशर, गेज प्रेशर नहीं नाप सकते, एज एयर में लीक इन टू द वेसल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसर्शन। आप इनसे वैक्यूम प्रेशर नहीं नाप सकते और गैस का प्रेशर नहीं नाप सकते। ये सारे पॉइंट मैंने पिछले वाले स्लाइड में डिस्कस किए थे। किसी को इसमें कोई डाउट है तो बता दो। मैंने बताया था कहाँ नहीं यूज कर सकते हैं, हाई प्रेशर है तो नहीं यूज कर सकते हैं, हाई प्रेशर है तो नहीं यूज कर सकते, गैस है तो नहीं यूज कर सकते, प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम है तो नहीं यूज कर सकते, ठीक है? ठीक है, ओके। अब देखो, इसका तोड़ निकाला गया। अगर नहीं कर सकते तो इन्होंने क्या कहा, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर यूज करो। ठीक है, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर क्या है, यूट्यूब ट्यूब को यू शेप में बेंड कर दिया है ऐसे, ठीक? ट्यूब को यू शेप में बेंड कर दिया है और उसमें एक हाई डेंसिटी फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है? इस हाई डेंसिटी फ्लूइड को हम बोलते हैं हाई डेंसिटी फ्लूइड, और इस हाई डेंसिटी फ्लूइड को हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ठीक है, अब इसका एक सिरा कनेक्ट होगा
वन एंड इज कनेक्टेड टू द पॉइंट वेयर प्रेशर इज टू बी मेजर्ड, वन एंड इज कनेक्टेड टू पॉइंट वेयर प्रेशर इज टू बी मेजर्ड, कनेक्टेड टू द पॉइंट वेयर प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। ठीक है, और दूसरा क्या है, ओपन टू एटमॉस्फेयर, दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि यहां पे दिया है, एक सिरा ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये देखो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और ये उस जगह पे कनेक्ट कर दिया गया जहां प्रेशर नापना है, ठीक है। अब अगर देखो इधर का जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो आप वो PATM से ज्यादा है, तो ये वो केस है जिसमें PA इज ग्रेटर देन PATM, ठीक है ना। तो फ्लूइड क्या होगा, ये फ्लूइड इधर देखो इधर लेवल फॉल करेगा और इधर लेवल राइज करेगा, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है ना। तो अब इतने में एक फ्लूइड है, देखो ये फ्लूइड जिसका प्रेशर नाप रहे हैं इसका स्पेसिफिक वेट है गामा, देखो यहां पे दिया हुआ है, और ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इसका वेट, इसका हमने स्पेसिफिक वेट लिया है गामा डैश, या अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना चाहे मैनोमेट्रिक फ्लूइड लिखना चाहे तो गामा एम ले लो, है ना, गामा एम, ठीक है। तो ये पूरा आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड है ये वाला पूरा मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। अब देखो सी और डी पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा कि नहीं होगा ये बताओ, क्या सी और डी पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल और एक फ्लूइड, एक ही फ्लूइड से कनेक्ट किया जा सकता है, हाँ या ना, यस। तो सी पॉइंट पे प्रेशर क्या है, देखो सी पॉइंट पे जो प्रेशर है, ए पॉइंट पे प्रेशर प्लस गामा एच बी सी, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू डी पॉइंट पे प्रेशर, यहां पे पी ए टी एम है, यहां पे पी ए टी एम है, सो पी ए टी एम प्लस गामा एम एच डी ई, ठीक है, तो पी ए माइनस पी ए टी एम क्या हो गया, गामा एम एच डी ई, ठीक है ना, माइनस गामा एच बी सी, ये गेज प्रेशर हो गया ये पॉइंट पर, तो गामा एम एच डी ई माइनस गामा एच बी सी। तो यहां देखो ए पॉइंट पे प्रेशर नापने के लिए आपको दो रीडिंग लेना पड़ेगा, दो रीडिंग लेना पड़ेगा, एक एच डी ई एक एच बी सी, एक एच डी ई नापना पड़ेगा और दूसरा एच बी सी नापना पड़ेगा, ठीक है ना, दो रीडिंग लेना पड़ेगा। अच्छा ये तो तब था जब प्रेशर इज मोर देन पी ए टी एम, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रेशर पी ए टी एम से कम भी हो सकता है। देखो मान लो प्रेशर आपका पी ए टी एम से कम है, ठीक है ना, मेरा प्रेशर पी ए टी एम से कम है, मान लो ये ए पॉइंट पे प्रेशर नापना है, ये पी ए टी एम से कम है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया मैनोमीटर से, यूट्यूब मैनोमीटर से, ये लेट से पॉइंट है ए, मुझे ये बताओ ये पहले तो लेवल सेम रहेगा, अब मुझे बताओ कि इधर फ्लूइड लेफ्ट में फ्लूइड राइज करेगा या फॉल करेगा, लेफ्ट में फ्लूइड राइज करेगा या फॉल करेगा, राइज करेगा क्योंकि यहां प्रेशर कम है ना, यहां पीएटीएम ज्यादा है, तो मान लो ये हो गया यहां तक आ गया ना,
ये तुम्हारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ये तुम्हारा गामा एम है, ठीक, ये वर्क फ्लूइड का डेंसिटी गामा है, ठीक है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मान लो कि मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि एम और एन पॉइंट का प्रेशर सेम है? क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि प्रेशर एम और एन पॉइंट का प्रेशर सेम है? कैन आई राइट लाइक दिस कि एम और एन पॉइंट का प्रेशर सेम है? ठीक है, एम और एन पॉइंट, एन पॉइंट का प्रेशर है पी ए टी एम, एम पॉइंट का प्रेशर देखो पी ए प्लस, मैं ये मान लेता हूं, इसको मान लो कुछ, मान लो एक्स मान लो और इसको आप वाई मान लो, ठीक है, पी ए प्लस गामा एक्स और फिर क्या आएगा गामा एम वाई, एन पॉइंट पे प्रेशर क्या है यहां पे, यहां पे प्रेशर है पी ए टी एम, तो ये हो गया पी ए टी एम, तो पी ए माइनस पी ए टी एम क्या आएगा, माइनस गामा एक्स प्लस गामा एम वाई, है ना, तो ये नेगेटिव गेज प्रेशर आ जाएगा, गेज में लिखोगे तो नेगेटिव गेज प्रेशर आएगा, अदरवाइज वैक्यूम आएगा, और यहां भी आपको दो रीडिंग लेना पड़ेगा, एक्स फर्स्ट रीडिंग वाई सेकंड रीडिंग। तो जो ये सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है ये वैक्यूम प्रेशर को भी नाप सकता है, ठीक है ना, पीजोमीटर नहीं मान नाप सकता था, है ना। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, जो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है अगर वर्किंग फ्लूइड गैस है तो यूज किया जा सकता है, वर्किंग फ्लूइड इज गैस, क्या इसको यूज कर सकता हूं, यस और नो, वर्किंग फ्लूइड इज गैस, भाई गैस है तो ये जो मरकरी भरा हुआ है या मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है ये गैस को भागने नहीं देगा, तो यस आप कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या ये वैक्यूम प्रेशर को नाप सकता है, यस नाप सकता है। क्या ये हाई गेज प्रेशर को नाप सकता है, नाप सकता है। ठीक है ना, तो वो सारी जो कमियां थी वो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर ओवरकम कर देता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, देखो, व्हेन नेगेटिव गेज प्रेशर और मॉडरेटली हाई प्रेशर आर टू बी फाउंड सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर इज यूज, मॉडरेटली हाई, बहुत हाई प्रेशर होता है तो मैनोमीटर भी यूज नहीं होता, ठीक है ना। हियर वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द वेसल कंटेनिंग फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक वेट गामा एंड अदर इज ओपन टू एटमोसफेयर, एक सिरा वेसल से कनेक्टेड है दूसरा ओपन टू एटमोसफेयर है, ठीक है ना। टू मेजर रिलेटिवली हाई प्रेशर द लिक्विड विद हाई स्पेसिफिक वेट कोई जरूरी लाइक मर्करी इज प्लेस इन द ट्यूब, हाई प्रेशर नापने के लिए जो मैंने मैनोमेट्रिक फ्लूइड बताया था, कोई जरूरी नहीं होता है कि मर्करी मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, मर्करी का डेंसिटी हाई होता है तो मर्करी प्रेफर किया जाता है, बट कोई दूसरा फ्लूइड भी हम लोग यूज कर सकते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो इश्यू इन दैट। ये सारा क्लियर है, ये सारा पॉइंट जो लिखा हुआ है क्लियर है। कैपलरी एक्शन को अवॉइड करने के लिए डायमीटर 10 mm से ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आप लो प्रेशर नाप रहे हो, लो प्रेशर में हमेशा यूज़ किया जाता है कि लाइटर मैनोमेट्रिक फ्लूइड, लाइटर मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज़ किया जाए,
अगर आप लो प्रेशर नाप रहे हो तो एरर कम आता है, ठीक है। अगर कम प्रेशर नाप रहे हो तो लाइटर मैनोमेट्रिक फ्लूड यूज़ करेंगे, और कैपलरी जो ट्यूब का डायमीटर 10 mm से ज़्यादा होगा तो कैपलरी एक्शन की वजह से जो एरर है वो नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट डिवाइस, दो डिवाइस हमने पढ़ लिया, पीजोमीटर, बैरोमीटर और सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। तो पीजोमीटर भी एक तरह का मैनोमीटर, ये डिफरेंशियल यूट्यूब का मैनोमीटर, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर है। ये किन्हीं दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस नापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। यूज्ड टू मेजर प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस। बिटवीन टू पॉइंट्स, लेकिन फ्लूइड क्लोज होना चाहिए, ओपन फ्लूइड में नहीं, क्लोज फ्लूइड में, ठीक है ना। तो अब देखो सिंपल सी बात है, मान लो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, फ्लो इधर को हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ वही फ्लूइड है, देखो पहले लेवल सेम रहा होगा, इधर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो इधर से इसने पुश किया तो इधर लेवल राइज हो गया। तो अब देखो ये जो मैं जितना हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये तुम्हारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ये वाला इतना यहाँ तक, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है और ये सेम फ्लूइड है गामा, इसका स्पेसिफिकेट गामा है, इसको आप गामा एम मान लो, है ना। अब मैं दो पॉइंट ले सकता हूँ यहाँ पे एम और यहाँ पे एन, एम और एन पे आप प्रेशर इक्वेट कर सकते हो क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल और सेम फ्लूइड से कनेक्ट कर सकते हो। तो एम और एन पे प्रेशर क्या होगा, सेम। ठीक है, एम पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, देखो एम पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस नीचे, पी ए प्लस गामा एच ए बी, बी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, एन पॉइंट पी डी प्लस डी पॉइंट है वो, पी डी प्लस गामा और ये क्या आएगा एच सी डी प्लस उसके नीचे मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, एच क्या है ये बी सी। देखो ये यहां पे गामा कौन सा है, ये वाला, और यहाँ है गामा एम, ठीक है ना। तो गामा एच सी डी प्लस गामा एम एच बी सी है ना, तो यहाँ पे प्रेशर इक्वेट कर दिया। अब ये प्रेशर डिफरेंस नाप सकते हो आप, तो पी ए माइनस पी डी, ठीक है, क्या आएगा गामा एच सी डी प्लस गामा एम एच बी सी माइनस गामा एच ए बी, दिस इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी, ठीक है ना। तो वही ऊपर लिखा गया है, डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमिन द डिफरेंस इन द प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ क्लोज्ड फ्लूइड सिस्टम, ओपन नहीं, ओपन वाला बोला नदी वगैरह में नहीं, अगर पाइप वगैरह में फ्लो हो रहा है तो, ठीक है। ठीक, अब एक चीज तुम्हें ध्यान रखना होगा यहां पे, ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है ना, गामा एम ज्यादा होगा गामा से, ठीक, क्योंकि देखो नीचे फ्लूइड है ना, नीचे फ्लूइड हमेशा भारी रहता है,
तो नीचे वाला जो ये फ्लूइड है ये भारी होगा ऊपर वाले के कंपैरिजन में। क्लियर है? अच्छा, अभी यहां हमने क्या यूज किया, इन्वर्टेड मैनोमीटर। इन्वर्टेड डिफरेंशियल ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूड यहां पे भरा हुआ है। अगर आप गौर फरमाओगे तो मैनोमेट्रिक फ्लूड ये ऊपर है। तो मुझे बताओ ऊपर कौन सा फ्लूड होता है, हल्का या भारी? ये तुम्हारा गामा एम है और ये गामा है। ऊपर कौन सा फ्लूड होता है, हल्का या भारी? ऊपर कौन सा फ्लूड होता है, हल्का या भारी? लाइटर फ्लूड। तो गामा एम कम होगा, गामा ज्यादा होगा, ठीक है ना? अभी आप यहां पे प्रेशर इक्वेट कर सकते हो। ये बी पॉइंट है और यहां कुछ मान लो ई, तो बी और ई पे आप प्रेशर इक्वेट कर सकते हो। बी पे प्रेशर क्या होगा, ए पॉइंट पे कितना प्रेशर है। अब नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाने पे प्रेशर कम होता है। तो जब मैं ऊपर जाऊंगा तो प्रेशर कम होगा, गामा माइनस गामा एच ए बी, ठीक है ना? यहां से जाओ, ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा, डी पॉइंट माइनस गामा एच सी डी। ठीक है, यहां पे गामा ज्यादा है, गामा एम कम है, ठीक है ना? इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर इक्वेट कर दिया, आपको प्रेशर डिफरेंस पता लग गया इन दो पॉइंट के बीच। जनरली ये लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, इन दो पॉइंट के बीच। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक कथा कहानी क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है सिंगल कॉलम मैनोमीटर, है ना? नेक्स्ट जो आता है आपका, दैट इज सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ठीक है, सिंगल कॉलम में क्या किया गया, देखो सिंगल कॉलम में एक मॉडिफिकेशन किया गया। क्या मॉडिफिकेशन किया गया, आप बना रहे थे पहले सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक?
ये सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है। अब इसमें क्या किया, एक लिम में बड़ा रिजर्वायर अटैच कर दिया, इसका एक लिम पकड़ा और उसमें एक बड़ा रिजर्वायर अटैच कर दिया। ठीक है ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो है स्मॉल ए और इसका रिजर्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल ए। ये रिजर्वायर है, ठीक है, और जो ये कैपिटल ए है दैट इज वेरी वेरी लार्ज व्हेन कंपेयर टू स्मॉल ए। तो स्मॉल ए बाय कैपिटल ए को यू कैन ऑलवेज कंसिडर टू बी लेस देन वन। ठीक है, क्लियर है कहानी? अब क्या हुआ, देखो ये यही किया गया यहां पे। ठीक, तो शुरुआत में लेवल बराबर था, ठीक है, और ये इधर से मतलब हल्का सा नीचे गया है। ठीक, मान लो वाई वाई यहां से फॉल किया, जब आपने कनेक्ट किया इस पॉइंट पे इसको, अब इसमें भी वही काम करते हैं, एक सिरे को कनेक्ट कर देंगे जहां से प्रेशर नापना है वहां पे, और दूसरा क्या है, ओपन टू एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर को ओपन है। ठीक है, कर दिया मैंने ऐसा, अब यहां से फॉल करेगा और इधर राइज करेगा। मान लो ये एच राइज किया है और ये मैनोमेट्रिक फ्लूड है, लेट्स से गामा। क्या तुम्हें एक चीज, ये मैनोमेट्रिक फ्लूड जो है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है? जो मैनोमेट्रिक फ्लूड है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है कि नहीं है? यस, तो जितना वॉल्यूम रिजर्वायर में फॉल करेगा उतना ही तो राइज करेगा। देखो ए इंटू वाई, ए है रिजर्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, वाई कितना फॉल किया, ये वॉल्यूम कितना वॉल्यूम उधर से नीचे गया उतना ही वॉल्यूम इधर से राइज करेगा स्मॉल ए इंटू एच। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है ना, अब कैपिटल ए बाई स्मॉल ए इज वेरी वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर टू वन, तो वाई बहुत छोटा नहीं हो जाएगा एच के रिस्पेक्ट में? बताओ, वाई बहुत छोटा नहीं हो जाएगा एच के रिस्पेक्ट में? है ना, मतलब ये वाई बहुत छोटा है। अगेन मैं सेम काम कर सकता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ लेट से एम और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ लेट से एन, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं तो प्रेशर इक्वेट कर सकता हूँ ना। देखो एम और एन पे प्रेशर सेम है, और ये मैं ले लेता हूँ लेट से जेड, ठीक है, तो एम और एन पे प्रेशर इक्वेट कर दूँ, यहाँ पे क्या है पी ए टी एम, एम और एन पे प्रेशर सेम है।
एम पे प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस, इसको मान लो गामा, ये गामा, तो प्लस गामा जेड प्लस वाई, और ये क्या आएगा पी ए टी एम प्लस गामा एम एच प्लस वाई। देखो है इतना प्रेशर कि नहीं है, एच प्लस वाई है इतना नहीं है, यो बेबी नो बेबी यो। अब इसको सिंप्लीफाई करो, पी ए माइनस पी ए टी एम इधर आ गया, गामा एच ठीक है ना, एक हो गया माइनस, इधर से आया गामा जेड, तो ये तो दो हो गया, और वाई को इकट्ठा कर लो प्लस गामा एम माइनस गामा, और ये हो गया वाई ठीक है। तो ए पॉइंट पर प्रेशर क्या आया, ए पॉइंट पे प्रेशर आपका आएगा, देखो यहां पर आपको दो ही रीडिंग लेना है, मैंने वाई को इग्नोर कर दिया, वाई इज वेरी स्मॉल सो इग्नोरिंग वाई ठीक है, यहां दो रीडिंग नहीं है, ओनली वन रीडिंग, एट जेड इज नॉट रीडिंग, वाई इट इज नॉट रीडिंग, क्योंकि भैया देखो जेड तो फिक्स है ना, अगर आप यहां पे प्रेशर हटा भी दोगे इसको तो ये वापस यहां पे आ जाएगा। देखो प्रेशर चेंज करने से क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज करने से क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज करने से वाई ही तो चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज करने से वाई ही तो चेंज हो रहा है, और अगर प्रेशर चेंज होने से वाई चेंज हो रहा, वाई को इग्नोर कर दो, जेड तो फिक्स हो गया, जेड तो फिक्स है ना, हाँ एच भी चेंज होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एच भी चेंज होगा बिल्कुल ठीक ठीक है ना, तो जेड तो फिक्स है, वैरी तो फिर एच ही कर रहा है ना, वाई तो इग्नोर कर दिया, तो एक ही रीडिंग, इसलिए इसको सिंगल कॉलम मैनोमीटर बोलते हैं। नॉर्मल सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर में आपको दो रीडिंग लेना पड़ेगा ठीक है ना, लेकिन यहाँ आपको एक रीडिंग से ही काम चल जाएगा, इसलिए ठीक है ना, इसलिए जो है आपका क्या नाम है, ये जो आपका मैनोमीटर है इसको सिंगल कॉलम मैनोमीटर, वो एरर बहुत स्मॉल होता है, बिल्कुल एरर आएगा जी, एरर का वैल्यू ये आएगा, अगर आप इग्नोर करोगे तो एरर आएगा, और उस एरर का वैल्यू ये है, ठीक है, क्लियर है, तो आप परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो यहाँ से। अब देखो मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन करना चाहता हूँ एरर का, ठीक है, मान लो ऐसा है, देखो बेबी है बात है कुछ ऐसी, मान लो ये कंटेनर है, बड़ा कंटेनर, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, आपने इधर प्रेशर अप्लाई किया, ये नीचे हो गया, ये ऊपर चला गया, ये वाई नीचे गया, ये एच ऊपर गया,
ठीक है। गामा, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, लेट्स से पी एम मान लेते हैं इसको, है ना, ये एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट, इसको यहाँ ले लो एन पॉइंट। तो मुझे पता है भैया, देखो एम और एन पे प्रेशर होगा सेम, एम और एन पे प्रेशर होगा सेम, एम और एन पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है। अच्छा, तो एन पे प्रेशर क्या होगा, पी ए टी एम प्लस गामा एच प्लस वाई, तो पी एम माइनस पी ए टी एम क्या हो गया, गामा एच प्लस गामा वाई, तो ये हो गया ट्रू प्रेशर, गामा एच प्लस वाई ट्रू प्रेशर। अब मान लो मैं अप्रोक्सीमेट प्रेशर लूं, तो मैं क्या लिखता हूं, जो मेरा ट्रू प्रेशर है दैट इज गामा एच प्लस वाई, अब मैं अप्रोक्सीमेट प्रेशर लिखता हूं, अप्रोक्सीमेट प्रेशर कितना आएगा, y को इग्नोर कर दो, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गया, लेकिन ऐसा करने पे एरर कितना आया, ऐसा करने पे एरर आया गामा y। अब मुझे परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर क्या होता है, एरर बाई ट्रू वैल्यू, मतलब ट्रू प्रेशर इंटू 100। नाउ व्हाट इज एरर, गामा इंटू वाई, व्हाट इज ट्रू वैल्यू, गामा एच प्लस वाई दैट इज इंटू 100, तो गामा तो कैंसिल हो गया, क्या बचा ये वाई बाई एच प्लस वाई इंटू 100। अब एक चीज और देखो, we all know that y is very very small when compared to h, so h plus y can be approximately written as h, to jo percentage error hai usme maine y by h plus y likha hai, to h plus y ko h lik sakta hu na main approximately into 100, aur abhi maine dekha tha jab maine mass conservation kiya tha तो मैंने लिखा था कि स्मॉल ए इंटू वाई इक्वल्स टू कैपिटल ए इंटू एच, सॉरी उल्टा लिख दिया, स्मॉल ए कैपिटल ए इंटू वाई स्मॉल ए इंटू एच, तो वाई बाई एच क्या आएगा, ठीक, एरिया का रेशियो आ गया, क्लियर है, यहां तक कहानी क्लियर है, तो हम एरर निकाल सकते हैं। आगे देखोगे ये एरर बहुत, ये मतलब जितना बड़ा रिजर्वायर रखोगे ना उतना एरर कम आएगा, जितना रिजर्वायर बड़ा रखोगे उतना एरर कम होगा, ठीक है ना, तो सिग्निफिकेंट मतलब ऐसा कर देते हैं कि लेस देन 1% एरर आए, ठीक है, बट इससे फायदा बहुत होता है कि रीडिंग एक ही लेना है।
ठीक है, यहाँ तक कथा कहानी क्लियर है। नेक्स्ट जो मैं यूज करता हूँ दैट इज इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर, है ना। ये पॉइंट है, इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ठीक है, ये गामा एम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगर आप लेट से इसको कुछ भी लिख लो, जेड लिख लो, है ना, और इस फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट है गामा, ये है गामा एम। ठीक है ना, एम और एन, है ना। तो M और N पे प्रेशर सेम होगा, ठीक है। M M पे प्रेशर क्या है, पी ए प्लस गामा जेड, पी ए टी एम प्लस गामा M। आप S, ये इंक्लाइन डिस्टेंस मान लो S है, ये थीटा है, तो वर्टिकल क्या हो जाएगा, S साइन थीटा। ठीक है, तो आप प्रेशर लिख सकते हो, पी ए टी एम को इधर ले जाओ, क्या आएगा, गामा M S साइन थीटा माइनस गामा जेड। ठीक है, तो ए का गेज प्रेशर क्या हो जाएगा, गामा एम, ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे ना, यही पूरा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये इंक्लाइंड करने से फायदा क्या होगा, इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर बनाने का फायदा क्या है। ठीक है ना, ऐसा हम क्यों करें, देखो इसको समझने के लिए आप इसको कंपेयर करो सिंगल वाले से। देखो अगर यहाँ आप प्रेशर अप्लाई करते हो, ये मान लो फ्लूइड का लेवल सेम है, ठीक है, आप यहाँ प्रेशर अप्लाई करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है, लेट से H, ये मान लो यहाँ से नीचे आ जाता है, ये पी पी एम है ना, पी प्रेशर आप नाप रहे हो, तो ये y हो गया ना, ये y नीचे जाएगा, y बहुत छोटा होगा। ठीक है, अब अगर आप सेम प्रेशर यहां पे अप्लाई करते हो तो ये y नीचे जाएगा इधर से, और इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो यहां तक जाएगा, मान लो यहां तक जाएगा s, ठीक है ना, यहां तक डिफ्लेक्शन आएगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं मुझे P प्रेशर लिखना है तो P प्रेशर सिंपली यहाँ पे क्या आएगा, इसका फ्लूड है मान लो गामा, स्पेसिफिक वेट फ्लूड का है गामा, तो ये गामा H आएगा,
एच प्लस वाई लिख लो, ठीक है ना, या वाई को दोनों साइड में आप इग्नोर करो तो गामा, आप गामा एच लिख सकते हो, ठीक है ना। सेम प्रेशर यहाँ आएगा तो क्या आएगा, गामा एस साइन थीटा, ये एंगल थीटा है, एस साइन थीटा, सेम प्रेशर आपने के लिए। आप मुझे बताओ जब प्रेशर सेम है, गामा सेम है, तो क्या एच इक्वल्स टू एस साइन थीटा नहीं होगा? क्या एच इक्वल्स टू एस साइन थीटा नहीं होगा? तो s बाई एच को क्या मैं लिख सकता हूं, वन बाई साइन थीटा, ठीक है। अगर थीटा तुम्हारा 90 से छोटा है, तो साइन थीटा एक से छोटा होगा, तो वन बाई साइन थीटा एक से बड़ा होगा, ठीक है। तो क्या सेम प्रेशर पे एस एस बड़ा नहीं है, एस बाई एच एक से बड़ा नहीं है, तो एस एच से बड़ा है ना। सेम प्रेशर अप्लाई करने पे डिफ्लेक्शन ज्यादा किसमें हो रहा है, सेम प्रेशर अप्लाई करने पे डिफ्लेक्शन ज्यादा किसमें दिखेगा, इसमें डिफ्लेक्शन एच है, इसमें एस है। सेम प्रेशर अप्लाई करने पे आपको डिफ्लेक्शन ज्यादा किसमें दिखेगा, ये यहां पे डिफ्लेक्शन आपका एच है और यहां पे डिफ्लेक्शन है एस इंक्लाइंड में, किसमें, ठीक है। तो ये मैनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है, तो इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो जो ये एस बाई एच है ना, इसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है, विच इज इक्वल टू वन बाई साइन थीटा। तो सेंसिटिविटी जो है ऑफ इंक्लाइंड मैनोमीटर, मैनोमीटर इंक्रीसेस बाय अ फैक्टर ऑफ वन बाय साइन थीटा। ठीक है ना। और ये जो इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर है ना, बेसिकली ये सेंसिटिविटी ज्यादा कहां पे चाहिए, वाइल मेजरिंग लो प्रेशर यू रिक्वायर हाई सेंसिटिविटी, वाइल मेजरिंग लो प्रेशर्स यू रिक्वायर हाई सेंसिटिविटी। सो बेसिकली इट इज यूज्ड, इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर लो प्रेशर्स।
ठीक है, कहानी क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, कहानी क्लियर है ओबो चामा आगे बढ़ा जाए। यस, व्हेन थीटा डिक्रीजेस सेंसिटिविटी इंक्रीजेस, लो लिख देता हूं। ये कुछ गेजेस हैं जो यूज किए जाते हैं आज करंट टाइम में, जब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर नापना होता है ना तो बॉर्डन गेज यूज करते हैं। बॉर्डन गेज ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो तुमने देखा होगा प्रेशर नापने के लिए यूज किया जाता है। अक्सर तुम टायर वगैरह पे प्रेशर नापो तो ऐसा तुम देखोगे कि एक डिवाइस लगा रहता है, इसको अंदर से खोलोगे तो इसमें एक बॉर्डन ट्यूब होता है। ठीक है, ये ट्यूब है इसका, ये ठीक है, इसको फिर लिंक लगा के ये इसका इंडिकेटर है। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो ना तो ये ट्यूब सीधा होने की कोशिश करता है। ठीक है, जब ये सीधा होने की कोशिश करता है, ये लीवर को घुमाता है, ये सुई जो है आपको रीडिंग देता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कैलिब्रेशन करते हैं कि कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बॉर्डन ट्यूब कितना सीधा होगा, कितना सीधा होगा, वो पहले से कैलिब्रेट करके रखते हैं। ठीक है, पढ़ो इसको, देखो वही है। इफ द गेज प्रेशर्स आर वेरी हाई देन द मैनोमीटर मे नॉट बी इफेक्टिव एंड सो द मेजरमेंट कैन बी मेड यूजिंग बॉर्डन गेज। ठीक, एसेंशली दिस गेज कंसिस्ट ऑफ अ क्वाइल्ड मेटेलिक ट्यूब, क्वाइल्ड मेटेलिक ट्यूब, ठीक है ना, जो मैंने बताया था क्वाइल शेप में सी टाइप का, दैट इज वन एंड इज कनेक्टेड टू द वेसल व्हेन प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। एक सिरा वहां से कनेक्ट करते हैं वेसल से, द अदर एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज सो दैट व्हेन प्रेशर इन द वेसल इज इंक्रीज द ट्यूब बिगिंस टू अनकॉयल। अनकॉयल का मतलब होता है जो ओपन अप होने की, मैंने बोला सी टाइप का है तो ये ओपन अप होने की कोशिश करेगा एंड रिस्पॉन्ड इलास्टिकली यूजिंग द मैकेनिकल लिंकेज अटैच टू द एंड ऑफ द ट्यूब। द डायल ऑन द फेस ऑफ द गेज गिव्स द डायरेक्ट रीडिंग ऑफ प्रेशर विच कैन बी कैलिब्रेटेड बाई वेरियस यूनिट सच एज KPa। ठीक है, तो दो पॉइंट आपके लिए काम का है, एक तो बहुत हाई प्रेशर नापता है, दूसरा क्या है, एक मेटेलिक क्वाइल है। ये देखो ये एक ट्यूब है ये, और इसको जब आप लगाओ प्रेशर अप्लाई करोगे यहाँ से तो ये ओपन होने की कोशिश करेगा, ऐसे स्ट्रेट होगा उसी, तो ये लिंक घूमेंगे और आपको रीडिंग दिखेगा। ठीक है, ठीक है ना, कुछ प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, देखो ये क्या होता है कि प्रेशर ट्रांसड्यूसर कैसे काम करते हैं, ये डायाफ्राग्म है, डायाफ्राग्म मतलब पतला झिल्ली टाइप का, इस पे हमने लगा रखा है एक स्ट्रेन गेज। तो जब आप ये देखो, इससे आप दोनों प्रेशर नाप सकते हो, एब्सोल्यूट प्रेशर भी और गेज प्रेशर भी। अगर दोनों साइड फ्लूइड है तो गेज प्रेशर आएगा, डिफरेंस बताएगा, और अगर एक साइड वैक्यूम कर दिया, मान लो ए में वैक्यूम कर दिया, तो ये आपको एब्सोल्यूट बताएगा। अब होगा क्या, जब इसमें प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा ना तो जो डायाफ्राग्म है वो क्या होगा, डिफॉर्म होगा, ये डिफॉर्म होगा, ये डिफॉर्म होगा, तो ये जो गेज है इसका लेंथ चेंज होगा, स्ट्रेच होगा, और उससे इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है ना,
उस रेजिस्टेंस को हम नाप लेंगे, ठीक, उससे हम पता कर पाएंगे कि प्रेशर कितना है। ठीक, देखो ये बीच में एक डायाफ्रागम लगा हुआ है, ठीक है, इस पे लगा है स्ट्रेन गेज। जब आप प्रेशर डिफरेंस होगा तो ये डायाफ्रागम का लेंथ चेंज होगा, तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो इसमें पास होने वाला करंट चेंज होगा, उसको कैलिब्रेट करके हम लोग प्रेशर कैलिब्रेट करते हैं कि इसमें कितना प्रेशर रहा होगा। तो यहाँ हम प्रेशर को जो ये स्ट्रेन गेज के रेजिस्टेंस से रिलेट करते हैं, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन करो, अब क्वेश्चन के नाम पे लोग भागेंगे, देखो मुझे तो बढ़िया विजिबल दिख रहा है, तुमने लो क्वालिटी में देख रहे होगे। कितना आंसर आया?
कितना आया वैल्यू? एक क्वेश्चन नहीं तुम लोग निकाल पा रहे हो, मैं चेक कर रहा था कि तुम लोगों का क्या हालत है। देखो सिंपल सा फंडा है, देखो पहले समझो कहाँ कहाँ पे प्रेशर सेम है। देखो ये तुम्हारा एक फ्लूइड, ठीक, दूसरा ये आपका दूसरा फ्लूइड, ये आपका तीसरा फ्लूइड, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ पे प्रेशर सेम है, एक तो यहां पे प्रेशर सेम है, दूसरा यहां पे प्रेशर सेम है। नाम दे देते हैं इनको, ये तो डी पॉइंट है, इसको आप ई पॉइंट नाम दे दो, इसको एफ पॉइंट नाम दे दो, ठीक। अब किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लो, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लो। मान लो ए ए से स्टार्ट कर लिया, ठीक है ना, ए से स्टार्ट कर लिया तो ठीक है, पी ए, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा। तो ये तुम्हारा कितना है, ए सी पोर्शन में डेंसिटी कितना दिया है, 800, तो माइनस 800 जी और एच कितना है, 0.06। ये ऊपर गए हैं इसलिए यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर नीचे आओगे, नहीं ऊपर कितना गए यहाँ से, 90, सॉरी 0.09, ठीक। अब यहां से फिर नीचे आओ, कितना आओगे नीचे, 60 mm, तो यहां पे आ जाओगे, तो प्लस 800 g इंटू 0.06, ठीक नीचे आ गए। अच्छा अब यहां से सीधा स्विच मार लो, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है और फ्लूइड भी सेम है, तो भैया देखो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल सेम फ्लूइड, तो आप सीधा स्विच कर सकते हो, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जितना नीचे जाने पे ऐड होगा उतना ऊपर आने पे सब्ट्रैक्ट होगा। तो आप यहाँ पे आ जाओ सीधा, अब यहाँ से ऊपर चलो, माइनस डीबी में क्या है, सीडी पोर्शन में क्या है, 1100, तो माइनस 1100 g, ऊपर कितना जाए, 0.065, यहाँ। अब देखो यहाँ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, सेम फ्लूइड है, जितना ऊपर जाओगे सब्ट्रैक्ट होगा उतना नीचे आने पे ऐड होगा, कैंसिल आउट होगा, तो आप सीधे यहाँ से स्विच करके यहाँ आ जाओ, यहाँ से आप नीचे चलो, तो प्लस प्लस कितना होगा, इसका डेंसिटी दिया है 800 g इंटू 0.25, ये होगा प्रेशर एट पॉइंट बी, बी पॉइंट तक आ गए। एक पॉइंट से स्टार्ट करो, दूसरे पॉइंट तक चले जाओ, यहाँ से आप पी ए माइनस पी बी निकाल लो, किलो पास्कल पास्कल जिसमें बताना चाहो बता लो, कितना आया भैया, अरे बोलो रे बाबा कितना आंसर है, तुम लोग आंसर ही निकाल पा रहे हो क्या, नाक कटाओगे,
इतने लोग उतने आंसर। ये ए माइनस बी है या बी माइनस, मतलब प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है, ए पे ज़्यादा है बी पे ज़्यादा है, ए और बी में प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है? लो ए और बी में प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है? तो ये -1.025 किलो पास्कल आ रहा है, जो इतना आ रहा है। सही सही बताओ। एकदम सही सही बताओ। अरे इतना ही है क्या यार, तुम लोग नाक कटवा रहे हो। चलो इसमें बताओ, IIT कानपुर की कसम। चलो ठीक, देखो इस लेवल पे प्रेशर इक्वल होगा है ना, एम और एन पे। ये मान लो एम पॉइंट है, ये मान लो एम पॉइंट है, एम और एन पे प्रेशर होगा सेम। ठीक, एम पॉइंट पे प्रेशर क्या है, बी पॉइंट पे प्रेशर प्लस 800 g, एच कितना है 13 सेंटीमीटर, नीचे आने पे प्लस, तो इंटू 0.13 प्लस मरकरी है, तो 13600 g और ये 8 सेंटीमीटर, 0.08, ये हो गया एम पॉइंट पर प्रेशर। अब एन पॉइंट पर प्रेशर क्या है, ए से आ जाओ, पी ए प्लस ये क्या आएगा 700 g और एच 23831.31, तो यहाँ से आ जाएगा ए और बी पॉइंट का प्रेशर। क्विकली बताओ कितना आया।
कितना आ रहा है भैया? है ना, यही है ना। अगला करो, इसमें क्या करना है, यहां पे प्रेशर इक्वेट कर दो, ए और बी दो पॉइंट ले लो। तो ए और बी दोनों पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम। ए पॉइंट पे प्रेशर क्या है, यहां से ऊपर जाओ तो पी एम माइनस रो वाटर तो 1000 जी, ऊपर जा रहे हैं तो माइनस, और ये कितना होगा 0.095, 9.5 है ना। एन एन बी पॉइंट पे क्या आएगा, पी एन है ना, ऊपर जाओ ये वाटर है कितना 80 सेंटीमीटर, माइनस 0.18, और ये क्या है ऑयल तो माइनस 8, ये 1000 है, 830 जी, और ये कितना 0.035। यहाँ से इक्वेट करके पी एम माइनस पी एन निकाल लो कितना है, करके बताओ खटाखट कितना आया।
कितना आ रहा है, माइनस वन पॉइंट कुछ लोगों का तो कुछ नहीं आ रहा है, बोलते हमें क्या करना है। कुछ भी आ जाए, जिनका बहुत कुछ आ गया है वो क्या उखाड़ लिए हैं, तो हम भी, हम तो कुछ नहीं लाएंगे। सबसे पहले क्या करो, एग्जिस्ट मान लो ये पॉइंट तुम्हारा है ए बी, पहले एग्जिस्टिंग प्रेशर डिफरेंस निकालो कि एग्जिस्टिंग प्रेशर डिफरेंस है कितना, ठीक है ना। तो देखो ये मान लो ये लेवल है ना, ये m है ये n है, ठीक है। m और n पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, सेम फ्लूइड से कनेक्ट कर सकते हैं। m पे प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस रो ऑयल का, ऑयल का रो कितना दिया है 900, सो 900 जी, और हाइट कितना है 3, ठीक है। यहाँ एक ये कितना है पी बी, वाटर का जो प्रेशर है, प्लस वाटर है तो 1000 जी इंटू 1.5 प्लस
मरकरी, मरकरी का डेंसिटी देखो दिया है 13,550 जी इंटू, ये हाइट कितना, 0.2। यहां से आपको एग्जिस्टिंग प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा कितना है, जरा बताओ कितना है एग्जिस्टिंग प्रेशर डिफरेंस, 1.48 नहीं है, फोर्टीन पॉइंट 813, ये एग्जिस्टिंग प्रेशर डिफरेंस है। अभी क्या है, मुझे मान लो मैंने बी में प्रेशर बढ़ा दिया, बी का प्रेशर जो पीबी था मैंने पीबी से बढ़ा के कर दिया पीबी प्लस डेल्टा पी, ठीक है ना, तो पीबी प्लस डेल्टा पी है, तो इधर से ये नीचे आएगा, यहाँ से ये x नीचे आएगा और यहाँ से ये x ऊपर जाएगा, तो जितना फॉल करेगा उतना राइज करेगा, तो देखो x राइज किया x फॉल किया दोनों का सम कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर ये इधर से नीचे जाएगा, 10 सेंटीमीटर उधर से ऊपर आएगा, फिर इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट से कोई पॉइंट P और इसका नाम दे देते हैं Q। अगेन आप प्रेशर इक्वेट कर सकते हो, ये ऊपर वाला जो मरकरी है नीचे जा चुका है, ठीक है, अब आप P और Q दोनों पॉइंट पे प्रेशर इक्वेट कर दो, P पे प्रेशर क्या होगा, देखो PA और ये जो हाइट है, ये जो हाइट है 10 सेंटीमीटर ऊपर आ गया, तो ये 2.9 मीटर है, तो रो ऑयल PA प्लस रो ऑयल 900 G हाइट 2.9 हो गया, ये क्या होगा PB, PB पे प्रेशर PB प्लस डेल्टा P है जो बढ़ा हुआ प्रेशर है, प्लस नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा वाटर, ये वाटर है तो नीचे गया है 10 सेंटीमीटर और, तो 1.5 मीटर तो पहले ही था, तो 1.6, तो रो डब्ल्यू 1000 G इंटू 1.6। अब PA माइनस PB ऑलरेडी तुम्हारे पास है, तो इसमें अननोन सिर्फ डेल्टा P है, ये डेल्टा P आ जाएगा, इसीलिए हमने पहले उसको निकाल लिया कि एग्जिस्टिंग प्रेशर डिफरेंस कितना है। ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन, ठीक है, क्लियर है, बहुत स्लो चल रहा हूँ तुम लोग, चलो
38.76। देखो यहां से चालू करो एम से, है ना, पहले नीचे जाओ कितना, 36 सेंटीमीटर, और ऑयल है तो -800 g और -0.36, ये नीचे गए। फिर देखो यहाँ यहाँ पे तो प्रेशर सेम है, तो यहाँ से जंप मार के सीधे यहाँ जाओ, यहाँ से ऊपर जाओ 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये यहाँ क्या है, मरकरी, सो -13600 g इंटू कितना है, 16.16, ठीक है। यहाँ से आ गया, अब यहाँ यहाँ भी प्रेशर सेम होगा, तो यहाँ से जंप मार के सीधे आ जाओ, अब यहाँ से नीचे जाओ तो 12 सेंटीमीटर नीचे जाओगे, तो प्लस ऑयल है तो 800 g इंटू 0.12, ठीक है। अब यहाँ यहाँ भी प्रेशर सेम है, तो यहाँ से जंप मार लो, यहाँ आ जाओ, यहाँ से फिर ऊपर जाओ तो -13600 g इंटू 0.15, ठीक है। फिर और ऊपर चले जाओ तो -800 g, और वो ऊपर कितना डिस्टेंस है, 0.15। अब आप पहुंच चुके हो पॉइंट एन पे, तो दैट इज पी एन। तो यहां से आप पी एम माइनस पी एन निकाल सकते हो, कितने किलो पास्कल होगा प्रेशर डिफरेंस, 38.76 लुक्स ओके। अच्छा नीचे जाने पे प्लस आएगा, ठीक है, पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा फिर माइनस आएगा फिर माइनस आएगा, ठीक है। क्लियर है, चलो फिर मैं यहां पे रोक रहा हूं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कम्युनिटी से आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हो। हाँ 3:30 रिवीजन क्लास है, 3:30 रिवीजन क्लास है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, ठीक है ना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।